पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक साल बाद हुई मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की आम सभा में शहर के निर्यातकों ने निर्यात बढ़ाने के लिए सहूलियतें बढ़ाने की आवाज बुलंद की। निर्यातकों ने कहा कि अगर उन्हें 2% ब्याज की दर से लोन मिल जाए तो वो मुरादाबाद के निर्यात को बढ़ाकर 3 गुना कर देंगे। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन की आम सभा में इसके महासचिव अवधेश अग्रवाल ने एक एक करके कई महत्वपूर्ण मुद्दे गिनाए। सरकार की तरफ से हम पर स्टाफ को 10,000 रुपए न्यूनतम पगार देने का दबाव है। कपड़ा इंडस्ट्री में फैक्ट्री मालिकों को 10,000 रुपए महीना पगार देने पर 3600 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। निर्यातकों ने कहा कि यहाँ हम बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, हम सभी अपनी फैक्ट्री को सोलर फैक्ट्री बना सकते हैं, बशर्ते सरकार हमें सोलर प्लांट लगाने की 20 साल के लिए 0% ब्याज पर लोन दे दे। सरकार ड्यूटी ड्रॉबैक खत्म कर दे लेकिन फोकस के इंसेंटिव को 7% से 12% कर दिया जाए। सरकार की मंशा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने की है। अगर हमें 2% ब्याज पर लोन मिल जाए तो हम इसे पूरा करके दिखा देंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदुर्रहमान, कानूनी सलाहकार नजमुल इस्लाम, IIA मुरादाबाद चैप्टर के चेयरमैन विनय कुमार मंगला, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अमित अग्रवाल, डॉक्टर हामिद मौजूद रहे। 66 वर्ष पुरानी एसोसिएशन, हमें जैसे हम अपने माता पिता को याद करते हैं, दादा दादी को याद करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं, एक दफ़ा उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस एसोसिएशन का निर्माण किया। हमने ये प्रयास किया है कि आप हमसे सवाल पूछें और हम आपको उनके जवाब दें। हमने ये प्रयास नहीं किया कि हमसे कोई सवाल पूछने वाला ही ना हो, हम मेंबर ही ना बनाएं, हम कोशिश ही ना करें कि कोई हमसे सवाल पूछे। हम एक दायरे में सिमट जाए। कई नाम इस अध्याय को जब मैंने गीता के पढ़ा, बार बार सचिव अध्यक्ष और इस एसोसिएशन की बदनसीबी कि हमारे महल बड़े होते चले गए। बुद्ध बाजार कोतवाली के पास जिसका जीना चढ़ने में परेशानी, घड़ी और मटके में उसके एम्प्लाई पानी पीते थे, शर्मनाक। मैं सबको अपने साथ जोड़ने के लिए, जो मेरे बड़े हैं वो मुझे सलाह दें, जो मेरे छोटे हैं वो मेरी गलतियों को मुझे बताएं। मैं हर क्षण ये प्रयास करूँगा कि अपने ट्रेड को और आप लोगों की भलाई के लिए कार्यरत हूँ। ये मेरा प्रयास है और मैं वचनबद्ध हूँ। आशा करता हूँ इस प्रकार से आप भी हमारा साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या मेरे चार्ज लेती GST की समस्या आई। अधिकारी पैसे मांगते हैं, हमारा काम नहीं होता, हमारे रिफंड नहीं होते। हमने प्रयास किया उस समस्या को कम करने का। हमने ये कहा कि हमारे निर्यातकों का काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, ये ऐसा हमने प्रयास किया। उसके बाद उद्योग बंधु की मीटिंग है, यहाँ पर नाम के लिए, अफसरों की सेटिंग के लिए कि मैं अवधेश अग्रवाल हूँ, मेरा घर यहाँ परंपरा में है, मेरी बिल्डिंग रामपुर रोड पर है, आप DM साहब हमारे यहाँ आइए, आप फलाना साहब हमारे यहाँ आइए, इसमें मुझे यूज़ होती हुई देखी। आपने पेपर में पढ़ा होगा मैंने उद्योग बंधु की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक नोटिस जारी किया कि अगली मीटिंग से जो भी जिम्मेदार अफसर मीटिंग में नहीं आएगा उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाएगा। वो उद्योग बंधु की मीटिंग कार्यकर शुरू हुई। प्रयास हमारा भागीरथी प्रयास है, हम प्रयास करते रहेंगे। वस्त्र मंत्रालय में टमटा जी के समक्ष, स्मृति ईरानी जी के समक्ष हमने अपनी समस्याओं को रखा, फोकस की दरें कम कर दी गई थी, विविधता पूरी कर दी गई थी, खत्म की जा रही थी, जो कि हमने आगे बढ़वाकर उसको 5% और 7% के लेवल पर रखा कि भाई हमारा रेट कैसे चलेगा। बड़े छोटे हर निर्यातक का जो भी कुछ फायदा हो सकता है वो हमने अपने स्तर से करने का प्रयास किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से 2 दफ़ा मेरी मुरादाबाद में भेंट हुई। मैंने उनके सामने सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है हम सब लोगों के सामने इंडस्ट्रियल एरिए का, वो मुद्दा उनके सामने रखा कि हमारे शहर को एक इंडस्ट्रियल एरिए की ज़रूरत है ताकि हम उसमें अपनी इंडस्ट्री का विकास कर सकें और आने वाली समस्याओं से बच सकें। उसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं ये वायदा करता हूँ कि आज हमारी एसोसिएशन 231 सदस्यों की एसोसिएशन मेरे को मिली थी 13 मई को,
और आज 424 एसोसिएशन के मेंबर हैं, 100 फार्म होल्ड हैं जिन्हें मैंने मेंबर नहीं बनाया है। और मैं ये वायदा करता हूँ कि मैं 425 का सचिव नहीं हूँ, मैं 3000 मेंबर एक्सपोर्टर्स का सचिव हूँ। जो मेरी एसोसिएशन के मेंबर हैं नहीं हैं, निर्यात करते हैं, उनको कहीं भी कोई परेशानी होगी, अवधेश अग्रवाल हर समय उनके लिए उपस्थित है। इलेक्शन खत्म हो चुका, राजनीति खत्म, काम हो रहा है 13 महीने से, लगातार निरंतर होगा, ये हमारी ड्यूटी है और हमें करना चाहिए, इसमें हमने कोई एहसान नहीं किया। एक बच्ची उन्नति गुप्ता, आपने अखबारों में नाम पढ़ा होगा, जिसकी चेन पुलिंग हुई, उस बच्ची ने बहादुरी से डकैतों को पकड़ा, हमने उसका भी सम्मान किया। केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए का डोनेशन हमने शासन प्रशासन को दिया। शायद और शायद एसोसिएशन के इतिहास में पहली दफे ऐसा हुआ होगा कि 8 लाख रुपए के चेक मैंने निर्यातकों को वापस किए हैं कि मेरे 2 लाख रुपए पूरे हो गए हैं, ये आपकी अमानत है, आप उससे वापस ले लो। शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोग यहाँ होंगे जिनके चेक मैंने वापस किए, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। मैं यहाँ कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम है काम करना, जिस मद में पैसा ले रहा हूँ उसी मद में पैसा लगा। मैंने संकल्प किया है आप लोगों के साथ से कि इस भवन का निर्माण होगा और होगा 100% होगा, ऐसा मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। कहेंगे आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास से आज हमने अपनी तमन्नाओं के महल का अनावरण करना है, ये मॉडल रखा है आपकी एसोसिएशन के भवन का। और ड्रॉबैक आपका खत्म होने जा रहा है, जो भी 1.5-2% मिलता है, तो हमने कहा कल की जगह आज खत्म करिए, फोकस को 7% की जगह 12% कर दीजिए, हमें इंसेंटिव दीजिए ताकि हमारे निर्यातक काम कर सके, हम भी तैयार हैं खत्म करिए। रॉ मटेरियल सस्ता करिए, जो आपने GST में वायदा किया था कि 100 रुपए का माल 70 रुपए हो जाएगा, वो 170 रुपए हो गया, तो आप उसको भी तो कैलकुलेशन कीजिए। तो हमारा पूरा प्रयास है कि 7% की जगह हम 12% की लड़ाई फोकस के लिए लड़ेंगे, कि भाई हमें इंसेंटिव दो। और हम ये वादा भी करेंगे आपके माध्यम से, आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से, कि हम अपना काम 2 गुना करके आपको दिखाएंगे, आप हमें देना तो शुरू करो। ये कभी मुद्दा उठ रहा है बहुत अहम, शायद बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगे, बहुत कम समय में हमने गवर्नमेंट से एक मांग, गवर्नमेंट का कहना ये है कि बताओ आपको हमसे क्या चाहिए जिससे आप निर्यात 3 गुना कर सको। तो हमने, अमित जी ने, विनय मंगला जी ने, यश ने, सबने मिलकर कोशिश की है कि आप हमारी इंडस्ट्री को जो पैसे इन्वेस्टमेंट दें हम आपको निर्यात। तो मित्रों क्या ठीक है, इससे आपका कुछ काम बनेगा? ऐसा लग रहा है कि ये सब इंडस्ट्रीज है, 2% मेरा बचेगा, फोकस मेरा, अरे आपकी तालियां बतानी चाहिए थी, करो नहीं तो हम आने के लिए दिल्ली बैठेंगे। जहां आपको अपना फायदा लगे वहां तालियां बजाइए, और जब मेरा फायदा लगे मैं कोई तालियां बजाऊं, मैं तो आपके फायदे के लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए। दूसरा एक मुद्दा हम लोगों ने डिस्कस किया कि सौर ऊर्जा, आजकल बिजली की समस्या के लिए सौर ऊर्जा के प्लांट हम अपने माध्यम से अपने निर्यातकों में लगवाएंगे, आप हमें 20 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री बैंक से लोन दीजिए, हम आपकी बिजली की समस्या भी हल, आप उसका इंटरेस्ट मत लीजिए, हम सब सौर ऊर्जा के यूनिट लगा लेंगे क्योंकि महंगे यूनिट हैं, और आपको पैसा किश्तों में वापस करेंगे, जैसे बिजली का बिल देते थे वैसे आपको लोन चुकाएंगे। फायर पॉल्यूशन श्रम विभाग और जो और भी विभाग हैं उनसे मिलकर हम सामने बैठाएंगे। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की वार्षिक सभा का आयोजन होटल हॉलिडे रिजेंसी में किया गया। सभा की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष नवेदुर रहमान के द्वारा की गई। आयोजित सभा की शुरुआत राष्ट्रगान का गायन कर और 2 मिनट का मौन धारण कर किया गया। एकता की जीत है, हम सब एक हैं के नारे के साथ मंच पर विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षों को स्थान दिया गया। साथ ही एक साथ रहते हुए एक्सपोर्टर्स की समस्याओं को उठाने का आह्वान भी किया गया।
सभी अध्यक्ष और चेयरमैन का स्वागत किया गया। इसके बाद सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। वर्ष भर हुए कार्यों पर सभी वक्ताओं ने खुशी जताई और एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आयोजित AGM में MHEA के भवन का लोकार्पण किया गया, जिसने सभी ने अपनी उपस्थिति देकर स्वागत किया। कि जो सपना हमने देखा, उस सपने का मूर्त। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने वाले निर्यातकों को सम्मानित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो लगभग आधा घंटे तक सम्मान करने का सिलसिला चलता रहा, जो सभी के देखने लायक था। इस अवसर पर सभी ने आयोजन की प्रशंसा की और सभी ने एक स्वर में एकता की जीत है, हम सब एक है के नारे को बुलंद किया। और श्री विनय मंगला जी का स्वागत नजम भाई द्वारा। लास्ट ऐसा ना लगे कि हमें छोड़ दिया, श्री मुश्किल से 10 मिनट की कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कृपा के लिए, आपके प्यार के लिए। श्री गुरु श्री प्रवीण आलम का मैसेज देकर मैं उनको सम्मान करता हूँ। नबील खान साहब से कि वो आए, और SAF से श्री सलमान साहब को, हम सबके लिए बहुत ही वरिष्ठ और हमारे बहुत ही प्यारे अब मैं हाजी इफ्तिकार अली साहब से रिक्वेस्ट करूँ। अब मैं अवधेश अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा तो आए। तानिया बंदी रानी जी हैं, श्री रचित अग्रवाल, श्री रचित अग्रवाल, और मैं इसी कड़ी में कमल सोनी जी को आमंत्रित करूंगा उनके स्वागत के लिए। स्वागत करें। और हमारे बहुत युवा निर्यातक मोहम्मद जुबैर मिस्टर, श्री प्रशांत गर्ग जी, अरे आवाज अगर पहुंच रही है ईशान अहमद साहब तक, और श्री शहनवाज जी से अगर मेरी आवाज इन तक पहुंच रही है, शहनवाज जी हो यहाँ पर, अरे हमारे काफी बड़े हमारे सीनियर मोस्ट बड़े भाई श्री रवि अरोड़ा जी मंच पर आए, माजी हमारे बीच हैं क्या, मोहम्मद माजी हमारे बीच हैं क्या। आज सब में बहुत प्यार है, बहुत एका है। कोई भी अगर समस्या होती है आपस में बैठ के पहले उस पर डिस्कशन होता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब एक मौका आया कि मुरादाबाद की इंडस्ट्री की सारी समस्याएं हमें कहीं रखनी है, तो यस IIA MHEA सब एक जगह मिले और उस पर मंथन हुआ, और एक ही रूप से एक ही मेमोरेंडम बन के, कॉमन मेमोरेंडम बन के
वो समस्याएं आगे प्रेषित हो रही हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए सभी लोग इस चीज को देख पा रहे हैं कि लगातार सब लोगों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, वैचारिक मतभेद भी कम हो रहे हैं और एक प्यार और एक साथ में काम करने का जज्बा बढ़ रहा है। तो अपनी एकता को बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मंच पे लेकर आए और आपने एक नारा दिया जो वाकई में एकता में जीत है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम एक होकर मुरादाबाद की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के लिए लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आपने पिछले 13 महीनों में वो बहुमूल्य समय जो शायद जिस पर आपके परिवार का, आपके व्यापार का, आपका अपना, आपके निज मित्रों का हक था, आपने इस एसोसिएशन, इसके मेंबर्स को अपना परिवार मान के दिया है। उसके लिए यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से, आईएई की तरफ से, यस की तरफ से, लघु उद्योग भारती की तरफ से बहुत बहुत बधाई के साथ में आप लोगों को एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं, अपने मन का उद्धार देना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अभिजी, थैंक यू सो मच। Thankful to the organizers for assigning me this special duty to express word of thanks. First of all, I would like to present word of thanks to all the members who are here. All of you have spared your valuable time. 26 साल पुराना member हूँ association का, लेकिन जब से ये नई कार्यकारिणी बनी है तब से शायद एहसास हुआ कि association क्या है ये, और बहुत ही निराला अंदाज है हमारा गोयल जी का कि वो कम से कम 4-5 मैसेज भेजते हैं और 3-4 बार फ़ोन करके बुलाते हैं तो सब आना तो पड़ता है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा अब होता है, इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकें। और एक और दिल की बात बताऊं आपको, मैं आज मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। जब से मैं 40 साल हो गए या 35 साल हो गए मुझे कुछ करते हुए, आज ये ट्रॉफी घर ले जाकर शायद पहली बार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, एमएचईए के अध्यक्ष श्री नारद रमन साहब, डायनामिक महासचिव श्री अवधेश अग्रवाल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री अमित अग्रवाल जी, आईआईए के अध्यक्ष श्री गिरम जी और हमारे ट्रेजवार डॉक्टर हामिद हुसैन, सभी सम्मानित वरिष्ठ निर्यातक, युवा निर्यातक, महिला निर्यातक, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का आज हमारी एजीएम में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों, आप सबका एमएचई के इस ऐतिहासिक एजीएम में तहे दिल से स्वीकार कर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नई कार्यकारिणी लगातार इंडस्ट्री की भलाई के लिए रात दिन काम कर रही है और उसमें कामयाबी पा रही है। यह सब आप लोगों के सहयोग और प्यार के कारण ही हो पाया है। जिस प्रकार हमारे महासचिव रात दिन हर कार्य को एक मकसद बनाकर पूरा कर रहे हैं, वह तारीफ काबिल है, उनका जोरदार तालियों से स्वागत हो। इन्होंने जो भी आपकी नई बिल्डिंग के निर्माण का बीड़ा उठाया है, वह सब आपके सहयोग और योगदान से ही संभव हो पाया है। मैंने भी अपनी ओर से आपकी एसोसिएशन के लिए, पेड़ की भलाई के लिए एक बीड़ा उठाया है। मेरा हमेशा एमएचईए को पूर्ण समर्थन रहेगा, ऐसा मैं सबको विश्वास दिलाता हूं। और आज की इस एजीएम में इस भारी तादाद को देखकर यह लग रहा है कि हमारी इस एशियन नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। उसके लिए भी मैं हमारे अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं।